और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर संगठन असहज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए हेल्पलाइन जारी की है, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसके सीधे शिकायत जो है वो टोल फ्री नंबर पर की जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एक संज्ञान ले रहे हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर हम पारदर्शिता चाहते हैं, अगर हमारी सरकार पारदर्शिता चाहती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग पारदर्शिता चाहते हैं और पारदर्शिता को लेकर ही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से कहीं भी अगर घूसखोरी का कोई मामला आया है तो तुरंत हमारी सरकार ने उसको निलंबित किया है। इसको इस ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार जो है कहीं देखती है, कहीं पर कमीशनखोरी, कहीं पे घूसखोरी, कहीं कभी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है।